तो आज हम आ गए हैं विकासपुरी में अंकल अंडे वाले के पास, जिनका स्टॉल हमको सुनाए में आया कि इनका स्टॉल हो चुका है थोड़ा सा रेनोवेट, जो कि आप देख भी सकते हैं। पहले इनका था ई रिक्शा में, फिर हुआ शॉप पे, अब आ गए हैं दोबारा ये इस स्टॉल पे जो कि MCT अप्रूव्ड है। बीच में कुछ एलिगेशन आए थे इनके रिक्शे पे, ई रिक्शा पे, तो इन्होंने किया थोड़ा सा चेंज। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं और कुछ ट्राई करते हैं, कुछ नया इनके, कुछ नया अगर इन्होंने लॉन्च किया हो तो खा के देखते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, तो अपने स्टॉल आपने यहाँ चेंजेस कर दिया अभी? अच्छा, अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्या टाइमिंग रख रखी है आपने? यहाँ पे टाइमिंग है जी शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे। अच्छा, और एड्रेस की बात करी जाए तो? एड्रेस है जी मेन रोड विकासपुरी। अच्छा, अपोजिट PVR सिनेमा, पीछे डिस्ट्रिक्ट पार्क है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया अपने को यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी फिलहाल 5-7 दिन ही हुए थे, 10 दिन। अच्छा, लेकिन काम करते हुए मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो क्या क्या वैरायटी रहती है अपने पास? ऑमलेट है जी, एक हांडी ऑमलेट है हमारा। अच्छा, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को प्यार मिल रहा है, ये खा रहे हैं वो हांडी खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले जी रिक्शा चलाया। अच्छा, जिस रिक्शे के ऊपर मैंने कार्ड लगाई थी उस रिक्शे को मैंने चलाया। अच्छा, वो रिक्शा चलाता। अच्छा, तो उससे फिर कैसे मतलब आमलेट पे सीधा? पहले लाइन दूसरी होती थी, केबल टीवी की लाइन होती थी। अच्छा, उस बिजनेस में थोड़ा लॉस हुआ। अच्छा, कुछ दिन खराब हुए, कुछ कुछ खराब कर लिए, फिर रिक्शा चलाया। लेकिन जो कुकिंग है ना हमारे ब्लड में, जो हमारा फैमिली बिजनेस है ना, वो कुकिंग का ही है। अच्छा, क्योंकि फादर ब्रदर तब इसी लाइन में थे, मैं ही नहीं गया था, लेकिन मेरे को वापस अपने फैमिली बिजनेस में, लेकिन छोटे सेटअप से अंडे के सेटअप से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं था उस टाइम इतना फाइनेंशियल कि मैं अच्छा रेस्टोरेंट खोलूँ। जब अगर ई रिक्शा था उसी में दिमाग लगा, मैंने अंडे का ही काम किया, तो मैंने उससे शुरुआत की। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपने क्यों चेंजेस कर दिया? मतलब इतना अच्छा सेटअप था आपका ई रिक्शे पे? एक्चुअली देखो ई रिक्शा था, परमिशन नहीं थी उसकी, कुछ एलिगेशन लगे। अच्छा, इनलीगल ही होता था। फिर ये MCD का स्टॉल है, तो ये किसी भाई ने दे दिया चलाने के लिए। अच्छा, चले भी तू चला ले, मेरे लिए तो बेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो फिर इसी से अब रन कर रहे हैं कि कोई आगे एलिगेशन ना लगे। अच्छा, क्योंकि मैं फिर कहीं लगाऊंगा ई रिक्शा तो फिर कोई एलिगेशन लगाएगा। हाँ, ये सही बात है। तो ये MCD का स्टॉल है, इसके पेपर वगैरह हैं। अच्छा, तो इस पर हम खाने का काम कर सकते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करें। अच्छा, तो अपने पास क्या क्या वैरायटी होगी जो आपकी फेमस है? ऑमलेट है जी, तंदूरी ऑमलेट है, तंदूरी चीज़ ऑमलेट है, चीज़ गार्लिक है, चीज़ चिली गार्लिक है, पिज्ज़ा ऑमलेट है, हांडी है। अच्छा, तो ये मतलब आपने सीखा या अपने आप ही? मतलब अपने आप ही, बाकी ब्रांड का कुकिंग ब्लड में ही है। हाँ, तो शुरू से ही हथियार चलाने शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब इतना अच्छा टेस्ट दे रहे हो वर्ल्ड फेमस आपकी हांडी है। ऊपर वाला कर रहा है जी, वो मैं कुछ नहीं करता। इतनी आपको मतलब पूरी दुनिया ही जानती होगी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। बहुत ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है जी, बहुत प्यार मिला लोगों का, आप लोगों का। लेकिन जो करवा रहा है वो ऊपर वाला करवा रहा है, मेरे में तो क्षमता ही नहीं है मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप का नालायक मानता हूँ। कौन सा आमलेट लगा रहे थे? चीज बस फुलटा तंदूरी। अच्छा, ये हमारे पीछे 2 अंडे आ गए जी। अच्छा, ठीक है जी, तो ये भी काफी फेमस है आपका ना? ये आ गए जी नमक स्वाद अनुसार। अच्छा जी, ये लाल मिर्च। अच्छा, ये धनिया पाउडर है जी। अच्छा, और ये हमारा है जी मसाला स्पेशल वाला। अच्छा, ठीक है जी, ये आ गई हरी मिर्च, ये आ गई जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये भी हमारा होममेड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी डिफरेंट से लग रहा है, थोड़ा येलो, थोड़ा हल्दी डाली हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, सेहत के लिए भी ठीक होती है। अच्छा, धनिया आ गया जी। अच्छा, ये देखिए भाई, ये हमारी अमूल की कुल्फी है। ये मतलब कैसा आइडिया है, क्या है? अच्छा, ये जब जो होना है ना तब तक होके रहता है, तो समझ रहे ये ऊपर वाले करवा रहा है। अच्छा, हम तो बस करने वाले हैं। अच्छा, क्या बात है भाई, ये देखिए भाई, ये 2 चीज़ स्लाइस आ गए भाई, बढ़िया से एकदम। वेबा का लिक्विड। अच्छा जी, ये आगे भाई वीवा की लिक्विड चीज, क्या बात है, एकदम बढ़िया से, ये देखिए भाई, क्या मतलब जो भी खिलाते हो भर भर के खिलाते हो आप, है ये देखिए भाई, हमारा मसाला थोड़ा चिली फ्लेक्स।
ठीक है अभी कुलचा लगा देंगे। तो ये कितने तरीके के मसाले होते हैं इसमें? भाई साहब कई सारे मसाले होते हैं अनगिनत है। वो ये देखिए सीक्रेट है जी, वो सीक्रेट ही है। अच्छा ये देखिए भाई बढ़िया से एकदम हो रहा है गरम, क्या बात है। एक साइड से पकेगा पहले, एकदम बटरी हो रहा है भाई, देखिए बटरी बटर है भाई, क्या बात है। इसका प्राइस क्या रख रखेंगे? 200 रुपये। अच्छा ये देखिए भाई, ये मार दी भाई पलटी, क्या बात है। ये देखिए लगेगा जी हमारा होममेड तंदूरी पेस्ट। अच्छा जी ये वाला आपका तंदूरी पेस्ट है? अच्छा तो मतलब बाहर का कुछ ज्यादा यूज ही नहीं करते आप, सारा घर का ही अपना बना बना। वैसे रॉ मटेरियल सारा बाहर से लेना ही पड़ता। अच्छा लेकिन ब्लेंड हमारा अपना। अच्छा ये देखिए भाई बढ़िया से एकदम आपको तंदूरी मिलती है, तंदूरी मेयोनीज होती है। अच्छा ये तंदूरी मेयोनीज नहीं है, ये आप जो पनीर टिक्के पे मसाला खाते हैं, तंदूरी चिकन में मसाला खाते हैं आप कह सकते हैं वो। अच्छा जी ये देखिए भाई बढ़िया से लगाया गया है, इसमें थोड़ा सा भी कहीं से आपको लगने नहीं होगा भाई छूट गया। ये देखिए या भाई इनका आ गया भाई हथियार, ये देखिए अच्छा दोबारा से रिपीट जा रही है जो भी मसाले थे इनके, चाट मसाला चिली फ्लेक्स, ये चेक करें, थोड़ा सा धनिया हरा धनिया, ये देखिए ये हो गई प्याज, ये आ गया भाई लेमन, क्या बात है। ये रेडी हो गया? अच्छा ये चेक करिए भाई, क्या बात है। क्या नाम बताया था आपने इसका? चीज बस्ट कुलचा तंदूरी। अच्छा तो ये हो गया हमारा रेडी चीज बस्ट कुलचा तंदूरी, और ये हमारी तीनों जो सॉसेज हैं, ये है ग्रीन, और ये है हमारी टमाटो अनियन वाली चटनी, और ये है हमारी म्यूनिस तंदूरी वाली। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है, खाने में तो अलग ही होगा, आप देख सकते हैं मतलब अलग ही लुक आ रहा है, और पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा कैसा था कैसा नहीं, बढ़िया। तो ठीक है सर, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके थैंक यू।